ओके, तो एक आसान वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, आपने मैक्सिमा कैसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपने समझा। अब इनके ऊपर बड़े आसानी से कुछ क्वेश्चंस को समझिए, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है fx। जब भी आपके पास इस तरह का कोई टर्म आएगा तो आप सबसे पहले क्या कर रही हैं, यहाँ पर इसको होल स्क्वायर की टर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 4x² - 4x, इसके साथ मैं अपनी साइड से 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी साइड से मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये एक फॉर्म बन गई। किसकी फॉर्म बन गई? 2x - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा? +3। ठीक है, a² + b² और -2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, और 4 से 1 माइनस हुआ तो यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इस फंक्शन को ना। अब बिल्कुल आसानी से इसको उसमें सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? 2x - 1 होल स्क्वायर, ये आप जानते हो कि ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू किसके? 0 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है? इवन है। इवन पावर अगर होती है तो उस फंक्शन के आंसर क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं मींस कि या तो वो 0 होंगे या 0 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस में मुझे क्या चाहिए? 3। तो मैंने दोनों साइड क्या ऐड करा दिया? 3। तो 0 में 3 ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 3। फिर से यहाँ 3 ऐड कराया, यहाँ भी 3 ऐड कराया। ठीक है, ये आपने मुझे बताया था कि ये तो फंक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? f(x) > क्या? 3। तो मेरा जो फंक्शन है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है किसके? 3 के। इस बात को कैसे समझें हम कि fx या तो इक्वल होगा 3 से या 3 से ग्रेटर चला जाएगा? तो जो सबसे स्मॉल वैल्यू आ रही होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, वो क्या आ रही होगी? 3 आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू कितना? 3। ठीक है, अच्छा, या तो 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा। कितना ग्रेटर होगा? तो आंसर है, हमें नहीं पता कि कितना ग्रेटर होगा। इट मे बी इन अप टू इन्फिनिटी, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो वो मुझे नहीं पता कितनी होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आई। फिर से देखिए, फंक्शन हमारे पास ये था। ठीक है, 2x - 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 होगा। प्लस में 3 चाहिए था तो 3 ऐड कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन इक्वल है या तो 3 के या इससे ग्रेटर है। 3 से अगर ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि सबसे कम वैल्यू क्या होती होगी? 3 होती होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी? 3। मैक्सिमम कितनी? तो आंसर है, नहीं पता हमें कितनी होगी, तो हमने क्या लिख दिया? नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये दो बातें समझ में आती हैं। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछे कि मिनिमम वैल्यू तो बताइए लेकिन किस पॉइंट पर है ये भी बताइए। तो वो भी आप बता सकते हो। मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। कहाँ पर आई है? तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 2x - 1 होल स्क्वायर +3 की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? 3। तो आप इस फंक्शन को ना इसी के इक्वल लिख लिया करो। ठीक है, लिख लिया। इससे 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आया? 0। इधर क्या बचा? 2x - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आएगा, वो फिर से क्या बन जाएगा? 0। इधर क्या चल रहा है? 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, तो अगर आपसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है ये भी पूछा जाए तो आप क्या किया करो, फंक्शन को जो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उसी के इक्वल रख दिया करो, या मैक्सिमम आ रही है तो मैक्सिमम के इक्वल रख दिया करो। ठीक है, वहां से किसकी वैल्यू आ जाती है? x की। तब आप कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू आ रही है 3 कहाँ पर? एट x = 1/2। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1/2 रख दूँ, तो 1/2 रखने पर क्या होगा?
टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 बाई टू रख दूँ तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस वन कितना 0 और 0 का स्क्वायर कितना 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 3 तब आती है जब x की वैल्यू क्या पुट की जाती है 1 बाई टू। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आसान है यहाँ तक करना। तो हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पता कर लेते हैं और ये पॉइंट पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं तब बात को ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्या आया ऐसा, माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पर साथ में इंटरवल भी बताए हुए हैं उन्होंने कितने, कि आप रियल फंक्शन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ओके लेकर चलते हैं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ऐसा नंबर है अगर कहीं पर, तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, जीरो के। फिर से क्योंकि ये एक इवन पावर है तो यहाँ पर ये ग्रेटर रहा होगा, पॉजिटिव आंसर आ रहे होंगे, इसलिए ये ग्रेटर या इक्वल्स टू होगा जीरो के। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लिख लिया। ठीक है, इधर माइनस आया तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है क्यों हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर ये साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस में क्या चाहिए, टू चाहिए। ठीक है, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू, दोनों साइड ऐड करा दिया टू। ठीक, इस टर्म को आपने मुझे बताया था कि इसको फंक्शन कहते हैं, यही तो वो फंक्शन है जो गिवन है। अब आप इस टर्म को मुझे पढ़ के बताइए और समझाइए कि इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है कि एफ एक्स या तो इक्वल है टू से या उससे लेस है। टू से इक्वल है या उससे लेस, अगर लेस है तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू वहां पर क्या होती होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती होगी। फिर से एफ एक्स या तो इक्वल है या उससे लेस आएगा, तो यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई हमें, टू। ठीक है, टू से लेस आएगा, कितना लेस आएगा तो आंसर हमें नहीं पता कितना लेस आएगा, तो हम यहां लिख देते हैं क्या, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। ये बात आई आपको समझ में, टू है या टू से लेस है तो सबसे बड़ा नंबर टू आ रहा होगा, बाकी के उससे स्मॉल आते जा रहे होंगे, तो कितने स्मॉल आते जा रहे होंगे ये हमें नहीं पता है, तो हमने क्या लिख दिया, नो मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, टू। अब एक और चीज पूछी जा सकती थी इस क्वेश्चन में कि कहां पर वो टू आएगा, तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताता हूँ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, जो वैल्यू आपको चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, टू है ना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू टू चाहिए, तो वो इसके इक्वल लिख लिया करो क्वेश्चन के। ठीक है, फिर इसके बाद टू से टू कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस जीरो में चला जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, या एक्स की वैल्यू कितनी, वन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही होगी वो कहाँ पर आ रही होगी, एट एक्स इक्वल टू वन पर। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन में यहाँ वन रख दिया जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, टू, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर वन रखते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना पार्ट जीरो हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन थ्री होगी या लेस होगा, अगर ग्रेटर का साइन आ जाता है यानी कि सबसे स्मॉल वैल्यू ये होगी। ठीक है, लेस का साइन आ गया, इसका मतलब ये कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी की सब इससे लेस होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं तब आएगी बात समझ में, थोड़ी सी और ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास ऐसा गिवन है। ठीक है, एक्स प्लस टू, ये जो नंबर है ये ग्रेटर या इक्वल्स टू होगा किससे, जीरो से।
अरे यहाँ तो पावर इवन नहीं है, फिर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। क्यों लिख दिया वो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मोड। अगर मोड लगा हुआ है तो इससे बाहर जब भी आंसर आएगा तो वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये नंबर आंसर इसके ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो होंगे। ठीक है, इस टर्म को आपने मुझे क्या बताया था, ये तो एफ एक्स है और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ग्रेटर देन, फिर से एफ एक्स की वैल्यू या तो इक्वल होंगी जीरो के या उससे ग्रेटर होंगी, तो सबसे स्मॉल वैल्यू बताइए कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू फटाफट से बताइए कितनी होगी, या तो इक्वल है या उससे ग्रेटर है, जीरो के इक्वल है या जीरो से ग्रेटर होते जाएंगे, तो यानी सबसे स्मॉल वैल्यू जीरो मिल रही होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी होगी, तो आंसर है कि जीरो है या जीरो से ग्रेटर है, तो मैक्सिमम मुझे नहीं पता कितने होंगे, तो नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू जीरो कहाँ पर, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि x प्लस टू जो वैल्यू चाहिए होती है उतनी वो उसके इक्वल रख लो। ठीक है, x प्लस टू बाहर आएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एट x इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव, ऐसा क्वेश्चन आ गया, लिख लेते हैं साइन टू एक्स। अच्छा, साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो वन होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो मैं वही लिख लेता हूँ कि साइन टू एक्स या तो लेस होगा या इक्वल होगा वन के, या ग्रेटर होगा किससे या इक्वल होगा किससे, माइनस वन से, ये हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आती है आपको समझ में, ओके। अब आपको प्लस में क्या चाहिए, फाइव, तो आप फाइव ऐड करा दो बोथ साइड, यहां भी फाइव ऐड करा दो, यहां भी ऐड करा दो और यहां भी ऐड करा दिया। फिर से साइन टू एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू वन या मिनिमम माइनस वन होगी। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू और या इससे छोटी वैल्यू साइन टू एक्स थ्री एक्स किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो साइन एक्स फंक्शन के लिए ये बात कह दी हमने, प्लस में हमें फाइव चाहिए था, तो यहाँ भी फाइव ऐड, यहाँ भी फाइव ऐड, यहाँ भी फाइव ऐड करा दिया, तो ये कितना आएगा, तो आंसर है ये फोर आएगा। और ये कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो फिर से ये आपने मुझे बताया था कि ये एफ एक्स है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना सीखो, बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। एफ एक्स क्या है, या तो इक्वल है या लेस है किससे, सिक्स से, तो इसका मतलब इक्वल है या लेस है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सिक्स। तो यहां पर लिख लेता हूं मैक्सिमम वैल्यू सिक्स। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक, आगे इसको पढ़ना सीखो आप। एफ एक्स क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है किससे, फोर से, या फिर से एफ एक्स या तो इक्वल होगा फोर से या उससे ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब या तो फोर होगा या उससे ग्रेटर होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, फोर मिल सकती है, तो मिनिमम ठीक है सिक्स के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम सिक्स है, फोर होगा या उससे ग्रेटर होगा, यानी कि मिनिमम फोर है, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया आपको, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इसको, ओके। और देखिए आप, बिल्कुल आसान वाले आपको और कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान वाला ही क्वेश्चन है ये भी। कैसा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम,
हम ये जानते हैं कि साइन की वैल्यू तो चाहे 4x लिख दो या 3x लिख दो, 2x लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे 4x के साथ प्लस में क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। इतना समझ आ रहा है आपको? ठीक। 3 प्लस 1 ये कितना, 2 साइन 4x प्लस 3, इधर भी ऐड करना था 3, तो ये कितना आ गया, 4। फिर से साइन 4x को लेकर चले, ये हमें पता था, इसमें प्लस 3 चाहिए तो प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब मुझे इसका क्या चाहिए, मोड चाहिए, ठीक है, तो मोड लगा देता हूँ। ठीक है, 2 का मोड करोगे आप तो क्या आएगा, 2। मोड सब जगह ही लगाया है मैंने, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि 2 का मोड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, ये तो फंक्शन है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4 का मोड किया गया हुआ, तो क्या मतलब है उसका, 4, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ठीक, अब इसको पढ़ना बताइए मुझे, मैं कैसे पढ़ूँ इसको, कि एफ एक्स या तो इक्वल होगा 4 के या उससे लेस होगा, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू वहां पर 4 है, तो यहां लिखता हूं मैक्सिमम वैल्यू 4। ठीक, अच्छा, और बताइए मुझे, और समझाइए, ये समझाओ मुझे कितना है, तो इसको कैसे पढ़ूं, एफ एक्स या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, किससे, 2 से, या तो इक्वल होगा या 2 से ग्रेटर होगा, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू वहां पर क्या रही होगी, 2 रही होगी। यहाँ लिख लेता हूँ मिनिमम वैल्यू कितनी, 2, ठीक है,